हम खड़े हैं शासकीय कन्या महाविद्यालय के सामने। यह महाविद्यालय पिछले 3 महीने से सुर्खियों में है। कारण यह है कि यहाँ पर 90 छात्राओं के फाउंडेशन के पेपर हुए थे, जिसमें प्राचार्य की गलती से 87 छात्राएं फेल हो गई थी। तभी से वह छात्राएं संघर्ष कर रही हैं। उन्होंने अपनी बात यूनिवर्सिटी तक पहुँचाई और लगातार हमारे चैनल ने उनकी इस उनको जो परेशान किया गया था या जो उन्होंने प्रताड़ना झेली उसका लगातार हमने प्रसारण किया। उसका आखिर में यह नतीजा निकला कि यूनिवर्सिटी को यह निर्णय लेना पड़ा कि वह छात्राएं 2 जनवरी 2024 को फिर अपना पेपर देंगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि प्राचार्य की गलती की सजा उन छात्राओं को भुगतना पड़ी। अब प्राचार्य पर यूनिवर्सिटी क्या कार्रवाई करेगा, क्योंकि गलती यहाँ पे पूरी प्राचार्य की दिख रही है। हालांकि प्राचार्य ने हमको बताया कि 2 जनवरी 2024 को हम दोबारा उनको पेपर दिलवाएंगे। अब लोगों का कहना यह है कि पेपर क्यों दिलवाया जा रहा है दोबारा, जब छात्राएं पेपर दे चुकी है तो उन्हें पास कर देना चाहिए। अब देखना यह है कि यूनिवर्सिटी क्या निर्णय लेती है। मैं आवाज न्यूज से राकेश जैन रायसेन। जी सर, एक संशोधित अधिसूचना हमारे पास आई हुई है, समय सारणी है, और इसके अनुसार जो पेपर हुआ था उसका उन्होंने रिजल्ट जो है अमान्य करके उसको 2 जनवरी 2024 मंगलवार को निर्धारित किया है, और जिसमें सभी छात्राएं जो BA द्वितीय वर्ष की थी उन सभी को परीक्षा देना होगी, जिसमें हमारी 93 छात्राएं थी और वो 93 छात्राओं को परीक्षा देना होगी। और इसके लिए हम सभी छात्राओं को सूचित करना चाहते हैं कि वो समय पर आकर के महाविद्यालय में उपस्थित हों, और परीक्षा का समय जो है विश्वविद्यालय द्वारा 11 बजे से 1 बजे तक का दिया हुआ है, और छात्राओं को हमने 10:30 बजे बुलाया है, जिससे कि उनको किसी प्रकार की असुविधा